मैं तो रिकमेंड करूंगा पौड़ी के जितने भी कपल्स है ना गाइस डू विजिट हियर। So guys, यहाँ पर अभी हम लोग जो कमिंग ब्लॉग है हार्दिक का हम वो देख रहे हैं। What's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, last वाली video में जो आप लोगों ने प्यार दिया है, thank you so much उसके लिए। हमने लो title देखे, आप लोग समझ गए होंगे कि आज की जो destination हो रही है, वो कहाँ हो रही है। फिलहाल अभी हम लोग पौड़ी से 4 या 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं, जो मेरे साथ इस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो पहले है हमारे हार्दिक। हेलो गाइस, दिस इज हार्दिक रावत द ट्रैवल ब्लॉगर व्लॉगिंग अ लाइफ ऑन द रोड। सो आज मैं अपना लोगो पंचलाइन हैरी भाई के ब्लॉग में भी बोल रहा हूँ और दिव्यांश साथ में। हेलो गाइस। तो क्योंकि आज वीकेंड था, हमने बोला बोर हो रहे घर पे, तो इससे बढ़िया ब्लॉग ही बना ले, आपको थोड़ा एंटरटेन ही कर ले। तो exactly. तो हम जाते हैं कहीं, हमारा गिम्बल भी तैयार है सिनेमैटिक्स लेने के लिए। और ये जो प्लेस है ना, एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एंड ही इज ऑल्सो गोइंग फर्स्ट टाइम, राइट? यस यस। सो हम लोग को इतना पता नहीं है प्लेस कैसा है क्या है, बट हमने काफी सुना है इस प्लेस के बारे में। आई थिंक ऑफ बीट प्लेस बोल सकते ना, ऑफ बीट है बहुत। एक्जैक्टली बोल सकते हैं ऑफ बीट प्लेस। तो देखते हैं प्लेस कैसा होने वाला है, थोड़ा जाएंगे मौज मस्ती करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोग को दिखेंगे मोटो ब्लॉग्स। कौन सा हार्दिक, चले फिर चलो। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुल पहाड़ी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने जो प्यार दिया है मुझे उस वीडियो में। दीपक भाई से मेरी बात हुई थी, मतलब कुल पहाड़ी से, तो वो भी जब फ्री होंगे तो आएंगे। अभी आई थिंक उनके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो मेरे ये लाल परी चलाएंगे और मेरे इस हेलमेट से मोटो व्लॉग करेंगे। देखो पूरे कितनी हरियाली हो रखी है और बड़ा सही लग रहा है। आई थिंक यहाँ पर जो जंगलों में आग है ना, वो यहाँ नहीं लगी आई बिलीव। भाई एक नंबर जगह। मेरे आगे आपको एक आम का पेड़ दिख रहा होगा, ये पूरा मुझे लग रहा है भर जाएगा पूरा आम से। ये देखो ये पूरा हरा भरा हो गया और इसको जो क्या बोलते हैं, सो मुझे इधर मारेगा क्यों? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं यार, क्या बोलूं मैं। देखा होगा आपने पूरा वो वाला हिस्सा छोड़ दिया यहाँ रखा है वो। यहाँ से अगर मैं भी स्पीड में होता तो हो गया था काम। कुछ लोग हैं गाइस, आपने देखा होगा वो लोग हेलमेट नहीं पहन रखा था उन लोगों ने। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना गाइस, आपसे मैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज उत्तराखंड में भी डबल सीट हेलमेट अलाउड कर दो। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और चंडीगढ़ में डबल सीट हेलमेट अलाउड है, विदाउट डबल सीट हेलमेट वहाँ कोई निकलता ही नहीं घर से। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो डबल हेलमेट तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, अभी आपने देखा होगा सिंगल हेलमेट नहीं पहन रखा था बंदे ने यार, सिंगल भी नहीं पहनने को बंदे रेडी है यार, क्या ही बोलूँ मैं। वैसे जो जगह है ना मेरे लिए भी नहीं है आज देखने के लिए एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि हार्दिक ने उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। मतलब वहाँ का जो नज़ारे हैं, जो व्यू है, वो बड़ा सीनिक व्यू है और काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी जगह हो और मेरे माइंड में ये जगह किसी ने बता दिया हो और ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ ना जाऊँ, तो आई डिसाइडेड कि आज चलते हैं दोनों घूम के आते हैं। वैसे भी आज सैटरडे है तो वीकेंड में हम फ्री रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चल चलते हैं। हार्दिक भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया, हमें दिव्यांश को बुलाया, दिव्यांश भी रेडी हो गया, तो हमने सोचा कि ना व्लॉग भी बना दिया जाए। तो फाइनली हम लोग व्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा आ रहा होगा और यहाँ तक वीडियो देख दी है तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आपके लाइक से और आपके कमेंट से जो मोटिवेशन मिलती है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता, वो अलग ही लेवल है। क्योंकि जितने अच्छे कमेंट आते हैं आप लोगों के, जितना आप मोटिवेट करते रहते हो ना मुझे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको हर बार नया नया कंटेंट देता रहूँ। धूप लगी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मौसम खराब है। और हाय पतझड़, क्या बात है गाइस, देखो क्या मस्त लग रहा है, व्याह क्या व्यू है यार, वाओ वाओ। देखो छोटी मोटी खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए, चाहे वो इतनी सी की ना हो, बस ढूंढ लो कहीं भी, खुश रहो,
लाइफ में। मैंने तो ये सीख लिया है कि आप जो मर्जी हो जस्ट बी हैप्पी, दैट्स इट। तुम्हारे फेस में अगर खुशी रहेगी ना, तुम्हारे फेस में स्माइल रहेगी ना, तो तुमको देख के दूसरे वाले के फेस पे भी स्माइल रहेगी। अर्जुन भाई की जो बाइक है उस पर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड अर्जुन भाई ने जो है अपनी RS पे पूरी मॉडिफिकेशन करवा रखी है, तो आई ट्राई की जो उसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। भाई गिम्बल बहुत हैवी है हार्दिक का, पर हार्दिक गिम्बल शॉट बहुत मस्त लेता है, एंड हार्दिक का जो हाथ है ना वो गिम्बल बहुत सेट बैठ गया है। आई थिंक किसी को सिनेमेटिकग्राफी या फिर यू नो सिनेमेटिक शॉट वगैरह ले रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि गिम्बल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि इसमें जो स्टेबलाइजेशन है ना वो बहुत अलग ही लेवल की है। क्या मस्त कलर है इसका, ओ हो, शायद हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। अच्छा हार्दिक सारे कर रहा है कि ये है, ओ भाई साहब जगह का नाम जो है वो ग्रीन वैली रिजॉर्ट करके है, और मैं अभी आ गया हूँ। आप जो ये श्रीनगर वाली रोड है ना, नीचे जा रही है श्रीनगर वाली रोड, तो आपको यहाँ से ना राइट लेना है। हमने सेफली बाइक पार्क कर दी है, तो लेट्स गो फ्रॉम हियर। ये टिकटॉक बन रहा है क्या? नहीं यार, ये देखो ना। मैं आप लोगों को इसके सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा बहुत जल्दी, जो लग रहा है ना ये देखो, वाओ एक नंबर व्यू, एक नंबर व्यू। काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत शांत है, और आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये, और साथ में नदी चल रही है बड़ी प्यारी सी। इधर देखो, वाओ यार, मतलब डेट करने के लिए बहुत सही जगह लगी मुझे। जो कपल्स देख रहे हैं ना पौड़ी में, भाई आओ और यहाँ पर डेट वगैरह करो। अभी इधर पानी चल रहा है इधर, वाओ ये देखो पानी चल रहा है पानी, और ये मेरे ख्याल से उधर नदी है शायद, इधर इधर से जो आ रही ना ये वाली, ओ मा गुड टूरुला। चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना, और ये एडिटिंग करने में एक्सपर्ट है, एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, तो यू कैन गेट सम टिप्स फ्रॉम हिम, राइट? ठीक है, मैं फाइनल कट प्रो यूज करता, तो ऑल द मैक यूजर्स प्लीज कांटेक्ट मी फॉर मोर प्रोजेक्ट्स, प्रीवेट सब सबके लिए कांटेक्ट करो मुझे, आई कैन डू ऑल दोस प्रोजेक्ट्स नाउ। पहले पहले गरीब था, उसके बाद कैमरा आया, उसके बाद थोड़ा जोश चढ़ा, फिर गिम्बल आया, अब लगता है यार अब मैं इनसे मनी निकाल सकता हूँ। When you have all these things, then you can make everyone smile. You can more enough. बहुत बहुत एक नंबर चीज है। गिम्बल शॉट तो आप लोग देखते होंगे, पहले वाली वीडियो में भी इसने बहुत अच्छे गिम्बल शॉट लिए हैं, इस बारे में भी लिए हैं, अब वो आप लोगों ने देख चुके होंगे आई थिंक। यहाँ पर आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, एंड आप बैठने के लिए आप इस साइड बैठ सकते हैं, ये बैठ सकते हैं, और आप इधर झूला झूल सकते हैं, और यहाँ बैठने के लिए कर रखा है, और एक उस साइड बैठने के लिए कर रखा है, पानी है, और यहाँ पर पानी है बिल्कुल, ये देखो ये पानी वहाँ से कहीं आ रहा है। मैं तो रिकमेंड करूँगा पौड़ी के जितने भी कपल्स हैं ना, गाइज डू विजिट हेयर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है, और मार्केट के हल्ले से बहुत दूर है, तो मतलब एक नंबर प्लेस है, और यहाँ पर आके इतना पीस लग रहा है ना कि क्या बताऊँ गाइज, बहुत, और हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे आप देख रहे होंगे ना उस वहाँ पहाड़ों में आग लगी पड़ी है, बट जो ये प्लेस है ना अल्टीमेट है, और प्लेस है साथ में आप अपनी बाइक्स वगैरह भी देख सकते हो। अभी मैंने बोला दिव्यांशु को कि भाई ये जगह बहुत अच्छी है और डेट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो दिव्यांशु का जवाब सुनो, दिव्यांशु तब दोबारा बोलना एक बार। हार्दिक के बाद लड़कियों की बिल्कुल कमी नहीं है। हो रहा हार्दिक उधर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सही है, चलो अच्छा है, यहाँ पर आके डेट करो यार, बहुत कूल जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं मिलने वाली यहाँ पे।
दिवाज मुझे बोल रहे कि हरे भाई मूड में आ गए भाई, मिस कर रहा हूँ अभी कि हो कोई तो हम लेके आए। तो मैं भैया के पास आके जाके बात करने लगे कि भैया कैसे है क्या है। तो ये भैया संभालते हैं यहाँ पे ना, भैया आप संभालते हैं यहाँ पे ना। तो भैया कितने बजे तक खुला रहता है ये? 10 बजे। तो आप लोग सप्लाई वगैरह कहाँ से करते हो? भैया पौड़ी से सामान आता है श्रीनगर से। तो ये पौड़ी से कितना दूर है? 20 किलोमीटर पौड़ी से यहाँ ना। तो 20 किलोमीटर तो यहाँ से, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा श्रीनगर, तो वो आप लोग ईजी पड़ता है। तो सारा सामान जो है उनका श्रीनगर से आता है। तो गाइज विजिट ज़रूर करें, पौड़ी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ पे, और श्रीनगर से जो है वो 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो खंडा बोलते हैं जगह को शायद ना, तो खंडा सर्किट बोलते हैं। गाइस विजिट जरूर करना। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग जो कमिंग ब्लॉग है हार्दिक का, हम वो देख रहे हैं। हाँ कार्तिक सामने वाला है, ये ब्लॉग जरूर देखना। सो ये वाला ब्लॉग आज शाम तक आ जाएगा, तब तक जब तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तब तक ये ब्लॉग आ चुका होगा। तो गिव बिग थम्स अप ज़्यादा कुछ है नहीं स्नैक्स में यहाँ पे। स्नैक्स में सिर्फ ओनली आपको मोमोज वगैरह हो गया, नूडल्स वगैरह हो गया, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, आइसक्रीम मिल जाएंगे आप लोगों यहाँ पे। मिलता बस यहाँ कोई नहीं, अच्छा है। हमने स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किया था, खा लिया है, बहुत अच्छा है। और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आगे यहाँ पर आके, और यू कैन यू नो हैव योर स्नैक्स एज वेल, और कॉफ़ी एंड यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह बहुत रीजनेबल प्राइस में है। बल्कि ये काफ़ी दूर है ये स्पेस, बट फिर भी अच्छा है। कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, और ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा मज़ेदार अगर हम साथ में ब्लॉग करते रहेंगे। सो दैट वॉज रियली गुड डे टूडे, आई एंजॉयड अ लॉट विथ यू भैया, आपकी कंपनी में मुझे मज़ा आया। एंड टूडे मेरे को इतनी खुशी हो रही है, लाइक आई वॉन द फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई माई कॉलेज, एंड I got the second position, and that is really a big achievement for me. Like I never thought, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मतलब अच्छी खुशखबरी मिल गई। और दिव्यांश से पूछे, दिव्यांश कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही ज़्यादा चिल किया हमने, बहुत अच्छा प्लेस था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जो भी आपका बेस्ट पार्ट है वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश ब्लॉग में वंस अगेन। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज हैरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।